माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे से हैं और आप सभी का स्वागत है पल दो पल विद कोमल पर। आज है दिवाली का तीसरा दिन और आज है भाई दूज। भाई दूज की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसके अलावा अभी शाम का टाइम हो रहा है तो अभी हम लोग की भी घर पर भाई दूज मनाई जा रही है, तो चलिए चलते हैं और उनकी दूज मनाते हैं। आप लोग भी बने रहिए पूरी वीडियो के साथ। हमारे शाम के खाना बनाने की तैयारी चल रही है और यहाँ पर ये इसके वड़े बनेंगे। ये दाल हमने भिगो रखी है और इसके वड़े बनाएंगे मेरी जेठानी दीदी। और उसके साथ ही साथ यहाँ पर वड़े बनाने के लिए यहाँ पर प्याज और मिर्ची भी काट के रख दिया है। तो पहले हम लोग रोटी बनाएंगे और उसके बाद वड़े बनाएंगे। तो मैं आपके साथ पूरी रेसिपी शेयर करूँगी आज इस वड़े की, तो आप लोग प्लीज़ बताइएगा आपको कैसी लगी इसकी रेसिपी। और यहाँ पर चावल बन रहे हैं और आज की सब्जी हमारी सासू माँ बना रही है नीचे। यहाँ पर हमारी चाय भी बन चुकी है और इसके अंदर सबसे पहले ये अदरक डाल देते हैं। और अभी नीचे हमारी ननद आई है तो अभी उनके लिए मैं चाय बना रही हूँ और साथ ही साथ अभी ये रोटी हमारी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। सारी रोटियाँ यहाँ देख लीजिए और यहाँ पर हमारी चाय बन गई है। अभी यहाँ से लेकर जाते हैं, बहुत सारे कप है और अंधेरा हो चुका है बाहर। मैंने अभी चाय बनाई है। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मेरी ननद आई है जो सेकंड नंबर की है, वो आई है नीचे बैठी है। तो बस मैंने अभी सबके लिए चाय बनाई है क्योंकि मुझे पता था अभी वो थोड़ी देर में पहुंचने वाली है, तो इसलिए मैं फिर रुकी हुई थी चाय बनाने के लिए। चाय अंदर कोनिस नहीं आई थे, यहाँ पर चाय लेकर आई और यहाँ पर कोई नहीं, सिर्फ साइड बैठे। बाकी कहाँ है? हमारे पी चुके सभी लोग और एक कप फिर भी रह रही है, तो अभी चलते हैं ऊपर। क्या डाला है इसमें? अभी ये दाल ले ली है और इसमें थोड़ी सी तेल डाली है, उसके बाद अजवाइन डाल दिया है और ये रहे प्याज और मिर्ची। और थोड़ा सा हरा धनिया। चूड़ा तैयार हो चुका है, तो ऐसे ही बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। थोड़ा सा कड़ी पत्ता और ये गया इसके अंदर जिंजर और गार्लिक पेस्ट और गेहूं का आटा। इसमें अभी थोड़ा सा बेसन, एक दो तीन स्पून भर के चार, बाकी के सूखे मसाले, लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और इसके अलावा फिर से लाल मिर्च पाउडर। यहाँ पर तीखा अच्छा खासा खाया जाता है, थोड़ी सी हल्दी। तो मसाले तो सारे पड़ चुके हैं इसमें, अभी इसे सबसे पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे दाल और सारे मसाले और जो आटा डाला है, उसके बाद इसे भिगाएंगे पानी से। इसमें अभी थोड़ा सा खाने का सोडा जाएगा, थोड़ा चुटकी भर के बस। अभी इसे पानी से भिगोएंगे। अभी यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी करके इसमें मिलाएंगे और एकदम से भी नहीं मिलाना पड़ता है, नहीं तो फिर एकदम से गीला हो जाता है ना, तो इसके वड़े नहीं बन पाते ठीक से। अगर पानी ज़्यादा हो जाए तो थोड़ा सा आप आटा डाल के इसको बैलेंस भी कर सकते हैं, जैसे कि अभी मेरी दीदी ने किया है। तो ये रेडी हो चुका है, इसके बड़े बनने के लिए तैयार हो चुका है ये बैटर। पहला बड़ा इसमें जा चुका है, बड़ा नहीं पकौड़ा भी बोल सकते हैं हिंदी में। तो इसको हाथ में पानी लेकर थोड़ा सा हाथ पे टैप टैप टैप। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए बड़े भी बन रहे हैं। सबसे पहले आप अपने हाथों को पानी से गीला कर लीजिए ताकि वो मिक्सर आपके हाथों में ना चिपके। तो सबसे पहले थोड़ा सा मीडियम साइज के आलू जितना आप मिक्सर हाथ में लेकर गोल 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 करने के बाद उसे अपने दूसरे हाथ पर टैप टैप भी कीजिए और इसे जब तक गोल शेप ना आ जाए उसको दूसरे फिंगर की हेल्प से उसे गोल शेप देने के बाद आप उसे तेल में भी छोड़ सकते हैं। और ये पकता भी बहुत जल्दी है, बनते भी जल्दी से बड़े। बस इसमें है कि मूँग की दाल को भिगानी पड़ती है, ये छिलके वाली मूँग की दाल है। और इस कढ़ाई में जितने आएंगे उसमें पहले बड़े डालकर फिर बाद में सारे निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ मुझे बताइएगा कि किस किस के घर पे ये बड़े बनते हैं, किस किस ने खाए हैं और कैसे लगते हैं आप लोगों को, प्लीज़ मुझे बताइएगा, एक कमेंट कीजिएगा। और यहाँ पर देखिए इसे दो तीन बार उलट पलट के अच्छे से तेल में फ्राई करेंगे और यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा ऑयल है, ये डीप फ्राई हो रहा है। तो बस वैसे मैं तो बहुत ही अवॉइड करती हूँ, बहुत कम
मतलब इतना डीप फ्राई हम लोग बहुत कम खाते हैं, और वैसे भी मैं बनाती कम ही हूँ क्योंकि फिर घर पे कोई खाता ही नहीं है, बच्चे भी नहीं खाते, मेरे हस्बैंड को भी ज़्यादा डीप फ्राई चीज़ें पसंद नहीं है, तो फिर मैं नहीं बनाती। बस यहाँ पर आते हैं तो बहुत इन्जॉय करते, बहुत सारा खाते पीते रहते हैं हम लोग। और अभी अचानक से लाइट चली गई थी तो कितनी देर में ये बड़े मेरा हमारे पास गए हैं, इसको निकाल लिया है। देखिए कितना सुंदर कलर आया इसका, गरम। बहुत ज़्यादा सुंदर, बहुत ज़्यादा टेस्टी, यम्मी। इस तरह से आप वड़े बनाकर आप भी लोग ट्राई कर लीजिए, और आपको अगर पसंद आते हैं तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। और ये क्या कहते हैं ये नेक्स्ट सेकेंड राउंड इसका चल रहा है, सेकेंड बैच इसका अभी बनने के लिए तैयार हो रहा है। तो कुछ इस तरह से है ये वड़े, और बहुत सिंपल रेसिपी है, तो आप लोग भी बना सकते हैं जब कभी आपको हल्की फुल्की भूख लगती है, स्नैक्स टाइम पर, टी टाइम पर, जब भी आपका मन करे। बस आपके पास ये दाल होनी चाहिए और बस आपके रेडी है आपके बढ़िया से वड़े। तो यहाँ पर तो वड़े बन रहे हैं, और जो पहले की बैच में तैयार हुए थे उनमें से मैंने एक वड़ा ले लिया है, मैं अपने हस्बैंड को दूंगी खाने के लिए, मतलब टेस्ट करने के लिए, तो वो बताएंगे टेस्ट करके कि कैसे लग रहे हैं वड़े। तो ये परफेक्ट है ना, नमक सगड़ा परफेक्ट। तो यहाँ पर ना मेरी जेठानी ने मुझे कहा था कि प्लेट में निकाल के सबको दे के आ जा, तो मैंने क्या किया था, एक बाउल मतलब बाउल में एक ही वड़ा लेके गई थी, और फिर मुझे मेरी जेठानी कह रही है एक ही दे के आई है, सबको भी दे दे जाके, तो फिर मैंने दो तीन निकाल लिए। तो यहाँ पर वड़े तो सबको बहुत पसंद आए हैं, बहुत ज़्यादा सही, बहुत खूब छान, भाजीला पण आवडले, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आ गए हैं, बहुत टेस्टी लग रहे हैं सबको। और अभी देखिए इस बैच में कितने सारे वड़े आ गए। तो यहाँ पर अभी भाई दूज तैयारी चल रही है, आज एक ही दीदी आई है, बाकी दो ननद नहीं आई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने अपना शाम का खाना बहुत जल्दी से बना के तैयार कर लिया है, क्योंकि यहाँ पर भाई दूज मनाने की तैयारी होने वाली थी थोड़ी देर में, तो यहाँ पर भाई दूज स्टार्ट हो चुका है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मेरी एक ही ननद आई है, तो यही थे वो जो आए हैं भाई दूज मनाने के लिए, बाकी दोनों ननद नहीं आए हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपने मेरा पुराना ब्लॉग देखा होगा कि हम लोग जब नागपुर पहुँचे तो हम अपने बड़े वाली ननद के घर पर ही रुके थे, और वहाँ पर हमारी मुलाकात भी हो गई थी, और ना उनके घर पर चल रहा था दो तीन दिन से प्रोग्राम, और उनकी वैसे ही छुट्टियाँ हो रही थी, वो जॉब भी करती है, इस वजह से फिर उनकी ना छुट्टियाँ काफ़ी ज़्यादा उसी में चली गई थी प्रोग्राम के चक्कर में, इस वजह से फिर वो आ ही नहीं पाई यहाँ पर। और उसके अलावा सबको छोटी वाली ननद भी नहीं आई, क्योंकि वो भी जॉब करती है, उन्हें भी छुट्टियों का दिक्कत हो रही थी, छुट्टी नहीं मिल पा रही थी, है ना, तो इस वजह से फिर वो भी नहीं आई। क्या करें, अब देखो जॉब वालों का तो चलता ही है कि कभी छुट्टियाँ मिलती है कभी नहीं मिलती है, वो लोग तो वैसे हर बार हमसे मिलने आते ही है, पर फिर इस साल नहीं आ पाए, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम तो मिलेंगे। और यहाँ पर देखिए दीदी ने भाई दूज मना लिए, और यहाँ पर अनुज को यहाँ पर बच्चों को बिठाकर मतलब शंतनु और स्वरित बैठे हैं यहाँ पर, ये लोग का चल रहा है अभी सेलिब्रेशन। और इसके अलावा यहाँ पर काव्यान में बहुत तेज तेज रो रहा था, वो अपने गन के लिए रोया जा रहा था यहाँ पर भी, और वो बैठ ही नहीं रहा था। तो यहाँ पर देखिए अभी अनुष्का अपने भाइयों को बहुत सारा प्रेम से स्नेह से वो कर रही है, क्या कहते हैं बस आरती कर रही है, और उनके गिफ्ट दे रही है। तो यहाँ पर देखिए अनुष्का स्वरित को गिफ्ट दे रही है, स्वरित अनुष्का को दे रहा है, तो समझ ही नहीं आ रहा कौन किसका पकड़े। फिर स्वरित को कहा कि पहले तुम ले लो फिर उसके बाद दीदी को देना, तो यहाँ पर देखिए स्वरित ने भी अपने और यहाँ पर काव्यन बिल्कुल ही नहीं बैठ रहे, देखो कितनी मस्ती कर रहे हैं। अरे काव्यन और इतना समझाने के बाद भी ये लड़का समझता ही नहीं है, कभी कभी मतलब रोना एक बार स्टार्ट होता है ना काव्यन का तो रुकता ही नहीं, बहुत रोता रहता है। और बस छोटी छोटी बातें होती है, मुझे गन चाहिए थी, मुझे बुलेट चाहिए थी, ये चाहिए था, वो चाहिए था, और यही सब उसके रीज़न होते रोने के, और कोई रीज़न तो होते नहीं है यहाँ पर रोते। वो साड़ी जो सूरत से लाई थी जो दीदी के लिए, और बस यहाँ पर दीदी का भी गिफ्ट दे दिया है जो दीदी के लिए आया है, और उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आया है। कौन सी लूँ मैं इनमें से, ये अच्छी लगती है।
और यहाँ पर ना दीदी अपनी साड़ी छोड़ ही नहीं रही थी। दीदी यहाँ से देखे जा रही है, वहाँ से देखे जा रही है, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आए, कलर भी बहुत ज़्यादा पसंद आए और अच्छा भी लगता है जब आप किसी के लिए गिफ्ट लाते हैं तो उन्हें पसंद आए तो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी खाना खाने की तैयारी चल रही है और सबके लिए मैं थाली बना रही। और आप देख लीजिए इसकी मस्ती, पहले तो इतना ज्यादा रो रहा था और अभी देखिए इतना बड़ा हुडी पहन के नाचे जा रहा है, घूमे जा रहा है। और यहाँ पर देखिए कार्मेन को बहुत मजे आते हैं बड़े बड़े कपड़े पहनने में, अभी भाई का उसने जैकेट पहना है। जब जाए जरूरत होती है चुप करके बैठने की, वहाँ पे वो रोना ही चालू कर देता है हमेशा। और ये रही आलू बैंगन की सब्जी, बड़े जो अभी थोड़ी देर पहले बने थे। और यहाँ पर सबसे पहले जेंट्स खाना खाएंगे करके आराम से तसल्ली से उनको बिठा कर खाना खिला देंगे। और उसके अलावा यहाँ पर देखे भी काव्या ने ये निकालने के लिए तैयारी नहीं है और त्वरित उसके पीछे पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर मैं सबको अच्छे से खाना थाली में निकाल रही हूँ, सबको खाना दे दूँगी और उसके बाद हम लोग सब लेडीज़ मिलकर खाना खाएंगे। तो वो सभी पहले तो गर्मा गर्म बड़े सबने खा लिए और उसके बाद थोड़े थोड़े से खाने के साथ भी रख दिए थे थाली में। और यहाँ पर देखिए अभी हम लोग ने भी खाना खा लिया है लेडीज़ ने, मैंने वो शूट नहीं किया। और खाने के बाद सबका प्लान हो रहा था कि कहीं घूम कर आते हैं थोड़ा आसपास में, आइसक्रीम खा कर आते हैं, है ना। और खाना खाने के टाइम पर भी काव्यान की फिर से वही चालू हो गई मस्ती, रोए जा रहा था। फिर उसे डांट कर मैंने अच्छे से आराम से सुला दिया, उसने खाना नहीं खाया, बस गरम गरम बड़े खा लिए थे एक दो और फिर वो सो गए। अभी हम लोग आए यहाँ पर आइसक्रीम खाने के लिए, हम सब का डिनर हो चुका है तो अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं। डेजर्ट खाएंगे, ठंड में ठंडी ठंडी डेजर्ट, क्या मजा आएगा ना। और ये अभी अपने फ्रेंड के साथ बात कर रहे हैं। तो ये कौन सी जगह है जहाँ पर हम लोग आए हैं? ये है जाम, जाम नाम का गांव है। तो यहाँ पर अभी हम लोग आए हैं, बिल्कुल हमारे गांव से ये गांव 5 किलोमीटर की दूरी पर है। और बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है यहाँ पर, हर तरह की गाड़ियाँ, बस, ट्रैवल्स, हर चीज़ें यहाँ पर रुकती है। और यहाँ पर देखिए कि कितनी खूबसूरत रंगोली, और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया काव्यान को मैंने सुला दिया था, तो काव्यान हमारे साथ नहीं आया है इस टाइम पर, उसके साथ बड़े पापा घर पे रुक गए हैं, वो लोग आराम कर रहे हैं घर पे। और हम लोग अभी यहाँ पर आए हैं आइसक्रीम खाने के लिए, और स्वरित यहाँ पर आइसक्रीम भी मिली। स्वरित को हर जगह टॉफी चाहिए, आ जा इधर, नहीं मिलेगा अभी, नहीं खाता आइसक्रीम खाना। यहाँ पर टॉय के चक्कर में स्वरित ने आइसक्रीम भी नहीं खाई और बस उसे टॉय ही चाहिए था यहाँ पर। तो अभी यहाँ से हमने मैंगो पिकल लिया है, ये टेस्टी भी होता है इस ब्रांड का। और स्वरित यहाँ पर अभी टॉय देख रहा है, तब भी नहीं आ पाएगा, ये तुम्हारे लिए चैलेंज है, ये वाला दे दो, ये बढ़िया है। आज तो बड़ा अच्छा दिन है, पहले तो एक बाहर डॉग देखने को मिला और एक दूसरा यहाँ पर। तो ये भी देख लीजिए कितना क्यूट है, मुझे डॉग दूर से देखने अच्छे लगते हैं, मुझे डॉग बिल्कुल वैसे पसंद नहीं है। यहाँ से निकलते हैं, आइसक्रीम खा ली है, स्वरित के लिए टॉय भी ले लिया है और बस अभी यहाँ से हम जाते हैं घर। पहले तो हम लोग यहाँ से निकल रहे थे और उसके बाद फिर एक शॉप पर हम लोग वापस से चले गए थे, आपको मैं आगे दिखाती हूँ, आप लोग देखिए। और यहाँ से मैंने ये पसंद किया है, ऐसा लग रहा है। तो ये कड़ा मुझे अच्छा लग रहा था और यहाँ पर सारी चीज़ें बहुत अच्छी है, जैसे रिंग हो गई, कड़ा हो गया और क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, रेंज भी काफ़ी कम है। तो इस वजह से फिर हम लोग ने यहाँ पर 10 मिनट रुके, कुछ जो पसंद आया वो ले लिया था और उसके बाद यहाँ से निकल गए हैं अभी हम लोग। और बस अभी यहाँ से निकलने के बाद हम लोग थोड़ा सा यहाँ वहाँ चक्कर लगाएंगे। अच्छा लग रहा था रात, मतलब देखिए टाइम बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था, सिर्फ यहाँ पे अभी इस टाइम पे 10 बजे हैं और ना खाना भी हो गया है, आइसक्रीम भी खा लिए। तो जल्दी से घर जाने की बजाय हम लोग ने यहाँ से निकलने के बाद और थोड़ा सा चक्कर लगाया गाँव जाने के बाद। और ना यहाँ पर वैसे भी देखिए गाँव में ना सभी लोग बहुत जल्दी सो जाते हैं, सारी शॉप भी जल्दी जल्दी बंद हो जाती है, तो कुछ भी जब भी अगर कुछ चाहिए होता है तो इसी तरफ आना पड़ता है, जाम में ही आना पड़ता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, देखिए कितनी सारी गाड़ियाँ रुकी है, मतलब ये एक ऐसा प्लेस है ना कि यहाँ पर है ना हर कोई आके रुकता ही है, चाय पानी ब्रेक नाश्ता जो भी। और यहाँ पर देखिए पेट्रोल पम्प भी बिल्कुल लगा हुआ है, तो हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल होती है ना, तो यहाँ पर हर कोई आके रुकता ही है क्योंकि 10-15 मिनट आराम से यहाँ पर बिता सकते हैं रुकने के बाद। और इसके बाद यहाँ पर देखिए अभी गांव में कोई भी चीज़ें खुली हुई दिखेगी नहीं,
सारा कुछ बंद हो चुका है, बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ बंद हो जाता है। थोड़ा सा गांव का एरिया है, जंगल वाला रास्ता है ना, मतलब बीच बीच पे पड़ता है जंगल वाला रास्ता, तो ना ठंड भी ज़्यादा लगती है, इस वजह से फिर कोई बाहर रुकता भी नहीं है। तो बस अभी थोड़ी देर में हम लोग घर भी चले जाएंगे और फिर करते हैं आराम। तो अभी हम लोग आ गए हैं चक्कर लगाकर और यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ बस हम लोग घूमे जा रहे थे ऐसे ही। और आप सभी को तो पता ही है गांव में सब कुछ जल्दी जल्दी से सब खुल जाते हैं, जल्दी से सारी दुकानें बंद हो जाती है। तो आपने देखा जैसे कि मार्केट पूरी बंद हो चुकी थी। तो चलिए अभी हम लोग भी आ चुके हैं। आज भी इस ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ। लाइक कर दीजिएगा वीडियो पसंद आती है तो, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नए वीडियो के साथ, नए दिन पर। तो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर और खूब सारा पानी पीजिएगा। देखिए हमने भी लेकर आए अभी खूब सारा पानी, तो आप लोग भी पीजिएगा। तो चलिए बाय बाय।